अनुभव तापसी, आप दोनों से एक सवाल, इससे पहले आप ये कहें कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप, आपको क्या लगता है? दरअसल आज सवाल पूछने के लिए हम हैं यहाँ पे। एक सवाल दोनों लोग जवाब दीजिएगा, अनुभव सिन्हा और तापसी। बाकी सारे मुद्दे पर लिंचिंग का मसला है, अच्छी बात है, समाज का एक जागरूक तबका बोले। सवाल इसलिए उठता है कि जब कठुआ में कुछ होता है तब आप आवाज़ उठाते हैं, दूसरी जगहों पर कुछ होता है तो सेलिब्रिटी चुप हो जाते हैं, सेलेक्टिव हिपोक्रेसी शब्द दिया जाता है। तीन सवाल है मेरे पास, मैं चाहूंगा पहले आप दोनों इस पर एक एक जवाब दे दीजिए। पहले आपका नाम जानना चाहूं। मेरा नाम आशुतोष है, मैं आज तक से हूं। ओके। अच्छा, तीन का एक एक करके पूछ। हाँ, मैं एक एक करके पूछ लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मुझे लगा आप तीनों। नहीं नहीं, प्लीज। सर का आंसर जरा दमदार होगा तो पहले मैं अपना सीधा सिंपल सा दे देती हूँ। जब पिंक आई थी ना, तब मुझसे पूछा गया था, अभी तक तो आप कभी कुछ औरतों के लिए बोली नहीं, अब बोल रही हैं, पहले तुमने मुझे सुना? नहीं सुना, बोलती तो मैं तब भी थी। तो जब मौका मिलेगा तभी तो बोलूंगी ना, अब अपने घर की छत पे खड़े होकर थोड़ी ना चिल्लाने लग जाऊंगी मैं ये। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में बिलीव रखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, एज अ पर्सन नहीं आती हैं सबके बारे में। क्या अपने घर के बाहर मैं कुछ लगा के रखूँ कि ये चीज़ें मुझे, मेरे लिए ये पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव हैं? ऐसा नहीं होता है। मुझे काफ़ी इस बात पर ट्रोल किया गया कि इसकी पिक्चर आ रही है इसलिए ये बोल रही है। अरे, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया, अगर यही सवाल आप मुझसे पहले पूछते तो मैं यही जवाब देती। तो ये एज एन एक्टर, एज एन इंडियन सिटीजन, ये मेरा जवाब है इस बात का कि भाई जब कुछ यहाँ होता है, 50,000 घटनाएं होती हैं, सबके बारे में अगर मैं अपना ओपिनियन रखने लग जाऊं तो आप लोग शायद मेरे को थोड़े टाइम बाद सीरियसली लेना बंद कर देंगे। तो इसलिए जब दे रही हूं अपना ओपिनियन, तो कैन आई आल्सो से समथिंग प्लीज? प्लीज, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब रेप की बात होती है तो वहां भी आप हिंदू मुसलमान सोचने लग जाते हैं कि आपने वो मुसलमान लड़की का रेप हुआ था तो आप बोले, हिंदू लड़की का रेप हुआ था आप नहीं बोले। रजत, मैं सवाल के नैरेटिव को भी बता दूंगा, पहले अपना जवाब दे दीजिए। जी हाँ, ये मेरा जवाब है कह रहे कि आप ऐसा सोच रहे हैं। मेरे को एक्चुअली सर, सो मेनी पीपल क्वेश्चन द सेम थिंग, आफ्टर अ पॉइंट आई स्टॉप्ड रीडिंग इट कि अच्छा, किसी मुस्लिम लड़की का रेप हुआ तो आप मतलब तो उनको सपोर्ट कर रही हैं, ये 10 नाम गिनवा दिए उन्होंने मुझे, ये हिंदू लड़कियों के रेप जब हुए थे तब आप कहाँ थी? मतलब क्या मैं अब एक एक जब भी रेप होगा मैं उसके बारे में अपना वॉइस करूं तभी आप लोगों को फील होगा? एक पिक्चर कर दी मैंने पूरी यार, अब भी आप मुझे डाउट कर रहे हैं कि मेरे को फ़र्क पड़ता है कि रिलीजन क्या था लड़की का? सो आई डोंट वॉन्ट टू आंसर देम, दैट्स वाई आई नेवर आंसर देयर, बट टुडे यू पीपल आर मीडियम, दैट्स वाई आई एम आंसरिंग इट हियर। अनुभव यार, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूँ इस सवाल से। ये सवाल ट्रोल्स पूछते हैं, आप पत्रकार हैं बहुत बड़े चैनल के, मैं नैरेटिव भी बता दूंगा इस सवाल। मैं दुखी हो गया हूं, मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट नहीं, मैं दुखी हो गया हूं कि अगर पत्रकार ये सवाल पूछेंगे, कठुआ का रेप केस बाकी रेप केसेस से कैसे डिफरेंट है, मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। सर, मैंने कहा ना, सवाल पूछने के लिए मैं हूं, नैरेटिव बता सकता हूं सवाल मैंने क्यों। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त इंटरव्यू नहीं हो रहा है, इस वक्त डिस्कशन हो रहा है, और बहैसियत डायरेक्टर मेरे मन में आपके लिए एक प्रश्न है, आप नहीं देना चाहते उत्तर, मैं दे देता हूं। कठुआ एक लौता रेप केस था जहां पे रेपिस्ट के पक्ष में राजनीतिक लोग खड़े हुए थे, इसलिए उसकी भर्त्सना ज्यादा हुई थी। ये ट्रोल्स अनभिज्ञ हैं इन बातों से, आप, मैं विश्वास है मुझे कि आप जानते हैं इस बात को।